हम सब ने कृष्ण, मैं भी कृष्ण, कृष्ण ने कहा था मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। क्या ऋतिक 2021 में सिर्फ एक ही फिल्म करने वाले हैं? क्या दीपिका होंगे ऋतिक की क्रिश 4 में हीरोइन? 2020 में क्रिश फैंस के लिए क्या थी अच्छी खबर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बॉलीवुड डैड स्टूडियोज में। क्या आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब? तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे बॉलीवुड की हर एक खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप भी एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहें। वॉर 2019 में आई थी, जिसमें ऋतिक अलग ही अंदाज में लग रहे थे। फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग के साथ साथ उनके लुक की भी जमकर तारीफ हुई थी। साथ ही 2019 की शुरुआत उन्होंने सुपर 30 से करी थी, जिसमें वो सिंपल लुक में नजर आए थे, मगर उनके बिहारी एक्सेंट ने फिल्म में ऋतिक को एक नयापन दिया था। अब 2019 के बाद लोग जल्द ही ऋतिक के नेक्स्ट फिल्म के अनाउंसमेंट सुनना चाहते थे, मगर 2020 ने कई लोगों के प्लान्स फ्लॉप कर दिए। हालांकि ऋतिक के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि क्रिश 4 के डायरेक्टर राकेश रोशन ने इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म यानी कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पे काम करने की खुशखबरी दी। साथ ही साल के लास्ट में दीपिका और ऋतिक के एक साथ काम करने की खबर भी आने लगी थी। तो क्या दीपिका बनेंगी इस बार क्रिश की एक्ट्रेस? तो क्या ऋतिक सिर्फ एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं? जानने के लिए ऋतिक की अपकमिंग फिल्मों की डिटेल्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं ऋतिक की कंफर्म्ड मूवी की लिस्ट से। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है फिल्म फाइटर का, जिसकी अनाउंसमेंट ऋतिक ने अपने बर्थडे के दिन करी थी। इस फिल्म में दीपिका ऋतिक रोशन के साथ बड़े पर्दे में पहली बार नजर आने वाली है। पेट्रियोटिक ड्रामा पे बेस्ड ये मूवी सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, जो कि 30 सितंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म का फर्स्ट टीजर भी रिलीज कर दिया गया है और 2022 की 30 सितंबर को आप भी लॉक कर लीजिए। दीपिका की ऋतिक के साथ मूवी का टाइटल तो आ चुका है, अब देखना ये होगा कि क्रिश 4 में भी ऋतिक के साथ दीपिका नजर आती है या नहीं। क्रिश 4 भी ऋतिक की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल है। क्रिश 4 की कंफर्मेशन डायरेक्टर राकेश रोशन ने 2013 में ही कर दी थी और अब फिल्म की स्क्रिप्टिंग में काम चालू भी हो गया है। क्रिश फैंस का मानना था कि फिल्म की अनाउंसमेंट न्यूज 2021 में हो जाएगी, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि फाइटर की शूटिंग जून में स्टार्ट होगी, जिस कारण बीच में क्रिश 4 से रिलेटेड खबर मिल सकती है। लेकिन फाइटर के बाद ही ऋतिक क्रिश की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जिस कारण ये फिल्म 2023 तक थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब कह सकते हैं कि कंफर्मेशन मूवीज में ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो 2021 को रिलीज होगी, यानी 2022 में ऋतिक 3 साल बाद बड़े पर्दे में एंट्री लेंगे। इसी के साथ ऋतिक का नाम कई फिल्मों से जोड़ा जा रहा है, जिससे महाभारत, चीता 2, कहो ना प्यार है 2, लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है और ना ही एक्टर ने इनसे कुछ रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप ऋतिक को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मुस्कान गुप्ता ने।